उन्हें हमने सुना आप ऐसा पर्चा बनाते जो कटता नहीं है, हम की भगवान की कृपा है आज तक तो कटा नहीं, तुम धन हो सो काटो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा पूछना चाहते कि आप हमारा पर्चा लिखो एक लाइन ऐसा लिखो जो कभी कटे ना। हमका कागज तुम्हारा होगा, पेन हमारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेखनी हमारी होगी। और हमने कागज दिया, पेन दिया, हमने जो लिखा वो चौंक गए, आज भी हमारे चेला है। हमने पेन लिया, हनुमान जी का नाम लिया, हमने लिख दिया मौत तय है, अटल सत्य है, तुम्हारे बाप में दम हो तो काट के बताओ। वो फिर बाद में हमारे पक्के चेला बन गए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि जो आदमी खुरा पाती है। बोले भला ये भी कोई लिखता है, हम की लिखता क्यों नहीं, तुम दम हो तो काट के बताओ। तुमने कहा था ऐसा कुछ लिख के बताओ जो कभी कटे ना, अब ये कटने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन एक काम करो, मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन आज मुंबई में माया नगरी में तुम बैठे हो और तुम मुस्कुराना चाहते हो तो तुम माधव को पकड़ो, संघर्षों से मत डरो। ये तो भगवान राम जी के जीवन में भी आए, हमारे भी आए। हम दूसरों को पर्चा बनाओ कह लोग हमारा पर्चा बना भी फिर रहे, कह लोग हमारा पर्चा बना भी बाबा पकड़ तो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज चलिए, कई लोग हमारे पर देखो जी कैमरा जितने भी लगी का लगी यही है लगी ब्रेकिंग न्यूज, और उन्होंने क्या लेना देना, उसके पहले भी हम कितनी कथा करी आलमारी दिखाई जाओ हमें ब्रेकिंग न्यूज से मतलब ये कोई देख तो जाए बाबा पकड़ जाए फूल खुल जाए, सबको तो यही है।